सो गाइस कैसे आप सब, आज अपने पास है अपडेटेड किया सोनेट एसटीके प्लस है, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि इस कार का एक्सटीरियर कैसी मिलती है, इंटीरियर में आपको क्या फीचर्स मिलती है, इंजन पावर कैसी मिलती है, ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस कार को बाय करने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट तक बनेगा, वीडियो के लास्ट तक इस कार से जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की से, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे की मिल जाती है, लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने का इस तरह से आपके यहाँ पे बटन मिल जाती है और पीछे साइड में आपके यहाँ पे किया की ब्रांड मिली है, काफ़ी बढ़िया आपके यहाँ पे की मिल जाती है। और शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए किया सोनेट एसटीके प्लस जो 2024 मॉडल है, जो अपडेटेड मॉडल है, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल के आती है। तो आपको जो अपडेट मिलती है 2024 मॉडल में, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे पहले जो आपको जो इसमें आपको हेडलाइट का सेटअप मिला था वो आपको एलईडी का नहीं मिला था, हैलोजन सेटअप साथ दिया गया था। बट जो 2024 मॉडल जो अपडेट किया गया है या एक तरफ से, तो आपको जो इसमें हेडलाइट का सेटअप मिला है कम्प्लीटली आपको यहाँ पर एलईडी हेडलाइट सेटअप मिली है, एलईडी डियास आपको मिलती है, बाय फंक्शन आपको मिल जाती है जो कि टर्न सिग्नल का भी वर्क करती है, एलईडी टर्न सिग्नल इसमें दिया गया है। और भाई यहाँ पे आप देखें तो ये भी अपडेट हो चुका है, फॉग लाइट भी अपडेट हो चुकी है, इसमें आपको जो फॉग लाइट मिली है एलईडी का इसमें फॉग लाइट भी दिया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया आपको अपडेट मिल जाती है। तो ओवरऑल इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है ब्लैक कलर में, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, ब्लैक बेस्ट लगती है भाई देखने में। तो आपका कौन सा कलर फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और सेंटर में भाई देखेंगे तो आपके यहाँ पे किया की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर इसके हुड पे, और इस तरह से कर्स चैन की जो आपको मिल जाती है, इस तरह से इसकी लुक निकल के आ रही है जो फ्रंट लुक है। और अपर ग्रिल जो आपको मिलती है पियानो ब्लैक में दिया गया है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग आपको मिल जाती है, जो स्ट्रिप दिया गया है सिल्वर फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाती है। और भाई यहाँ पे आपको जो पार्किंग सेंसर मिलती है फ्रंट में, चार पार्किंग सेंसर फ्रंट में दिया हुआ है। और जो लोअर ग्रिल भाई आपको मिल रही है यहाँ पे स्मोक ब्लैक में आपको मिल जाती है, इसकी स्प्लिट जो आपको मिल रही है सिल्वर फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और जैसा कि पेट्रोल मॉडल है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो रेडिएटर है कुछ इस तरह की मिलती है। ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 205 mm की आपके यहाँ पे ग्राउंड केस मिल जाती है। तो ओवरऑल इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है, तो काफ़ी बढ़िया लुक के साथ ये गाड़ी आती है। और चेकआउट करेंगे इसका जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने में आती है, काफ़ी बढ़िया लग रही देखने में। इसका जो व्हील कैप आपको मिलता है कुछ इस डिज़ाइन आपको देखने में आती है जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। और चारों व्हील्स में आपके यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको मिलती है, रियर में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको भाई यहाँ देखें तो कोई क्रोम पार्ट इसमें ऐड नहीं किया गया है, जो डोर हैंडल मिलता है इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। बॉडी कलर में आपके यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाती है, कोई क्रोम फिनिशिंग आपके यहाँ पे नहीं मिलती है, और क्रोम बीडिंग आपके यहाँ पे नहीं मिलती है, ब्लैक कलर में दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो ओआरवी मिलती है यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग अनफोल्डिंग आपके यहाँ पे ओआरवी मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है यहाँ पे एलईडी का टर्न सिग्नल आपके यहाँ पर मिल जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि इसका जो साइड प्रोफाइल है आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चेकआउट करते हैं इसका जो रियर लुक आपको कैसा मिलता है, तो भाई यहाँ आप चेकआउट कर लीजिए इसका जो रियर प्रोफाइल भाई मिलती है काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आती है, कनेक्टेड जो लाइट आपको मिलती है काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, जो इसके लुक को काफ़ी बढ़ाती है, काफ़ी प्रीमियम से लगती है रियर से भी देखने में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है सार्फिन एंटीना, हाई स्टेप लाइट आपको मिलती है, एलईडी का आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो रूफ रेस मिल रही है सिल्वर फिनिशिंग के साथ इसमें दिया हुआ है। और भाई यहाँ पे देखें आप तो आपको यहाँ पर रियर विंडशील्ड पे आपको यहाँ पे डिफॉगर आपको मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया इसमें फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पे रियर वाइपर भी मिलती है जो कि 2024 का इसमें आपको अपडेट मिलती है, रियर में आपको वाइपर भी मिल रही है, आपको इसमें कनेक्टेड लाइट आपको मिल जाती है, एलईडी टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर मिल जाती है, सोनेट की आपको ब्रांडिंग मिलती है और किया की ब्रांडिंग मिली है। और नीचे साइड भाई देखें तो आपके यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट आपके यहाँ पे मिल जाती है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और जो स्किट प्लेट आपको मिली है सिल्वर फिनिशिंग के साथ इसमें दिया गया है, पार्किंग आपको जो लाइट मिलती है यहाँ पे इस तरह से आपको प्लेसमेंट मिल जाती है जो कि हैलोजन सीटर साथ आपके यहाँ पर मिल जाती है। और रियर में आपको जो पार्किंग सेंसर मिलती है इसमें दो पार्किंग सेंसर रियर में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है। अब चेकआउट करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में, तो उसमें आपको भाई कितना बूट स्पेस मिलता है, तो इसे मैं ट्रंक ओपन करके आपको चेकआउट करा दूँ। तो भाई यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस मिलती है काफ़ी बड़ी बूट स्पेस दिया गया है, इसको लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, 385 mm आपको बूट स्पेस मिल जाती है, काफ़ी बड़ी स्पेस आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। और यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको जो स्पेयर व्हील मिलती है 15 इंचेस का आपको स्पेयर मिल जाती है, जो कि टायर मिलती है 195/65 और 15 इंचेस का आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसकी प्लेसमेंट इसके नीचे मिल रही है, यहाँ पर हुक मिल जाती है, यहाँ पर आपको कोई बूट लाइट यहाँ पर आप नहीं किया गया है, इससे से आप देखेंगे तो आप बूट लाइट आपके यहाँ पर नहीं मिलती है। और भाई यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए इसका जो इंटीरियर कुछ इस तरह की मिलती है, काफ़ी प्रीमियम आपके यहाँ पर इंटीरियर मिल जाती है, तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलती है, 385 mm का इसमें बूट स्पेस आपको किया ऑफर करती है।
काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी में, तो स्पेसियस ये गाड़ी है जिसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। इस गाड़ी का जो टोटल लेंथ आपको मिलता है 3995 mm का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 1790 mm का इसमें आपको विड्थ मिल जाती है, और जो हाइट आपको मिलता है 1642 mm का इसमें हाइट दिया हुआ है। व्हील बेस जो आपको मिलती है किया सोनेट में 2500 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है, और ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलेगी 205 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड केस मिल जाती है, तो अच्छा खासा ग्राउंड केस आपके यहाँ पर मिल जाती है जिसको लेकर आपको इशू नहीं होने वाली है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो किया सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है 6 एयरबैग दिया गया है, एबीएस आपको एबीडी मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, एटीए फीचर आपको मिल जाती है, डोर जार वार्निंग, टीपीएमएस सिस्टम, ईएससी, हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो फीचर्स लोडेड यह गाड़ी है किया सोनेट एसटीएक्स प्लस। और चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर की, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर के बारे में। तो यहाँ पर आपको फिजिकल की लगाने जगह आपको मिलती है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और मैं उसे ओपन करके आपको दिखा दूं तो भाई यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो इस तरह से आपके डोर प्रोफाइल मिलती है आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर में आपके यहाँ पर मिल जाती है, कोई अदर कलर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको साफ टच देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स मिलती है पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक और विंडो कंट्रोल्स आपके मिल जाते हैं सिल्वर फेसिंग में। इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है, स्पीकर सिस्टम प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको जो मिलती है अम्ब्रेला होल्डर आपके यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है, ब्लैक थीम आपके यहाँ पर मिल जाती है। और भाई यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में इंजन स्टार्ट का बटन आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आइडियल स्टॉप का स्विच मिल जाती है, और यहाँ पर हेडलाइट लेवलाइजर आपको मिल जाती है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट मिलती है कंफर्टेबल आपके यहाँ पे सीट मिल जाती है, फैब्रिक सीट इसमें दिया गया है जिसके लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, एडजस्टेबल आपके यहाँ पर मिल जाती है तो अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट आपको जो मिलती है यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाती है। रियर में चलेंगे तो रियर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको जो एंट्री मिलती है काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाती है, सीटिंग कंफर्ट को लेकर आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। और चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो सो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इसका जो इंटीरियर मिलता है काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल जाती है। और स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे भाई आपको जो स्टीयरिंग व्हील्स मिल रही है इस तरह से आपके यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपके यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको आईपी के कंट्रोल्स आपके यहाँ पर इस साइड मिल जाती है राइट साइड में, और सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर मिल जाती है, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स दिया गया है। और एडजस्टेबल देखते हैं कैसा आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पर टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। इस साइड में आपको यहाँ पर वाइपर कंट्रोल, और इस साइड में आपको यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। आईपी की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इसमें आपको कम्बिनेशन मिल जाती है, डिजिटल आईपी में आपको यहाँ पर टीपीएमएस सिस्टम, और भी आप इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टॉगल करके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर ड्राइवर असिस्ट, लाइट, डोर कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, रिसेट, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कोई सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पे मिल रही है, और भी फीचर्स आपको मिल जाता है जो बेसिक आपको मिलने चाहिए सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इस साइड में आपको एलॉन्ग मीटर मिलती है, एलॉन्ग मीटर में आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल रही है, और इंजन टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि एलॉन्ग मीटर के साथ आपको मिल जाती है। और सेंटर में आपको यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है 8 इंच का आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई आपको मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया आपको फीचर्स यहाँ पर किया ऑफर करती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो का फीचर्स, मीडिया, ORVM कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और सेटिंग में आएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे साउंड का सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, पोजिशन, इक्वलाइजर, गाइडेंस, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बैक में आएंगे डिवाइस कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स मिल जाती है, और भी अपने अकॉर्डिंग कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से कर सकते हैं। और इसके रिस्पांस की बात करें तो भाई आपको जो रिस्पांस मिलती है ना काफ़ी क्विक रिस्पांस यह करती है, अच्छा खासा टच रिस्पांस आपको मिल जाती है, इसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेंटर में हजार लाइट का फंक्शन, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है। सेंटर में आप देखें तो आपके पास यहाँ पर तीनों ऑप्शन भाई आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट है, टाइप सी, USB, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर अगेन सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ही गाड़ी अवेलेबल है। इस तरह से आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, 2 कप होल्डर आर्मरेस्ट आपको मिलते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया गया भाई, और यहाँ पे आपको स्पेस भी बढ़िया मिल रही है। ग्लोव बॉक्स चेकआउट करते हैं तो इस तरह से आपके यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिल जाती है, पूरा जो थीम आपको मिलता है इसमें ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे थीम मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर आपको मिलती है, पियानो ब्लैक कलर भी बोल सकते हो। तो ओवरऑल देखें तो इस तरह से आपके यहाँ पे इसकी इंटीरियर मिल रही है, काफ़ी प्रीमियम सा, काफ़ी लग्जरी सा आपके यहाँ पे इंटीरियर मिलने वाला है। IRVM जो मिलती है मैनुअली एडजस्टेबल दिया गया है, यहाँ पे आपके पास सनग्लास होल्डर आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो लाइटिंग मिलती है
हेलोजन स्विच के साथ आपके यहाँ पर लाइटिंग मिल जाती है, यहाँ पे एंटी मिरर और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। इसमें कोई सनरूफ यहाँ पे ऑफर नहीं होती है इस मॉडल में, तो इस तरह से इसकी इंटीरियर मिल जाती है। तो भाई आपको इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। तो वैसे हो गया इसके फर्स्ट रो की बात, अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में और बात करेंगे उसमें आपको हेड रूम, लेग रूम, ये सारी चीज़ें आपको कैसी मिलती है। तो यहाँ से करते हैं इसको इंजन ऑफ और चलते हैं भाई इसके रियर में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डोर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड आपको मिल जाती है और पूरा ब्लैक थीम आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स और यहाँ पे आपको कोई साफ टच नहीं मिलती है। वाटर होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिलती है। स्पीकर सिस्टम का आपको प्लेसमेंट मिली है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको चार स्पीकर सिस्टम मिलती है और दो टीटर इसमें ऑफर किया गया है। इस तरह से आप देखें तो आपको फैब्रिक सीट मिलती है। आपको जो रियर में आपको जो हेडरेस्ट मिलती है इसमें एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल मिलता है, रियर में आपको कोई एडजस्टेबल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। फैब्रिक सीट है, कंफर्टेबल आपको सीट मिलती है। अब बात करते हैं इसके हेडरूम, लेग रूम, लेग रूम के बारे में। तो भाई यहाँ पर देखें तो जो और ड्राइवर सीट है मैंने इसको पीछे किया हुआ है, फर्स्ट रो की साइड मैंने शूट किया है। तो यहाँ आप देखें तो आपके यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाती है और अंडर थाई सपोर्ट भी मिलते हैं, लेग रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाती है। और हेड रूम की बात करें तो हेड रूम को लेकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली भाई, हेड रूम भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मेरी हाइट 5'6" है तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, हेडरेस्ट कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपके यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपके यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स और लाइटिंग जो मिलती है, हैलोजन सीट के साथ आपके यहाँ पे लाइटिंग मिली है और रियर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें ध्यान रखा गया है। एसी वेंट आपके यहाँ मिल जाती है, सिल्वर फिनिशिंग इसकी आउटलाइन मिल जाती है। यहाँ पे आपके पास दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल इसकी सेकेंड डोर निकल के आती है भाई, अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेग रूम, हेड रूम और अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। सो गाइस अब चेकआउट करते हैं इसमें आपको इंजन पावर कैसी मिलती है। तो चलिए यहाँ से इंजन बे को ओपन करते हैं। तो यहाँ से ओपन करते हैं तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका इंजन बे ओपन कर दिया। तो इसके हुड पे भाई आपको यहाँ पे कोई हीट इंसुलेशन पैड आपके यहाँ पे नहीं मिलती है, ब्लैक आपको मिल जाती है। और अब इंजन की बात करें तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है। और पावर की बात करें तो इसमें आपको जो पावर मिलेगी 81.8 BHP की पावर मिलेगी और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा 150 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पे टॉर्क मिलेगी। तो काफ़ी पावरफुल रिफाइनमेंट आपके यहाँ पे इंजन की ऑफर करती है। और जो माइलेज मिलेगी आपको लगभग 1517 KMPL की आपके यहाँ पे माइलेज मिल जाएगी। और प्लेसमेंट की बात करें तो अच्छे वेल तरीके से आपके यहाँ पे प्लेसमेंट आपके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, कूलेंट की प्लेसमेंट इस तरह से आपको मिल जाती है, ब्रेक ऑयल, बैटरी की प्लेसमेंट इस तरह से आपके यहाँ पे इंजन की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। तो भल इस तरह से आपके यहाँ पे इंजन मिल है, पावरफुल आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो 2024 मॉडल जो अपडेटेड मॉडल है इसका जो एनुअल प्राइस आपको जाएगा वाराणसी में लगभग आपको 12 लाख के करीब यह कार अवेलेबल हो जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप किया शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी यह कार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कार रिव्यू के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।